बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दृष्टिहीन संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये बड़ी खबर हिमाचल से आपको बता रहे हैं। दरअसल सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है, सीएम सुक्खू पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। वार्ता के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप सीएम सुक्खू पर लगाए जा रहे हैं। दृष्टिहीन संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय के बाहर इस संघ के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, नारेबाजी की गई है और इस बीच गंभीर आरोप सीएम सुक्खू पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वार्ता के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हिमाचल से आपको बता रहे हैं, जहां दृष्टिहीन संघ द्वारा अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और इस बीच संघ की ओर से सीएम सुक्खू पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं। दरअसल बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप दृष्टिहीन संघ ने लगाए हैं और इसको लेकर के जमकर नारेबाजी भी की है। 348 दिनों से चला है। हमारी मुख्य मांग जो सरकार के जीतने में विभाग हमारे बैगलों का कोटा है, हम चाहते हैं वो एक जगह इकट्ठे होके भर्ती में लेके थ्रू बढ़ जाए, यही हमारी पहली मांग है। दिन रात यहीं डटे रहेंगे जी, जब तक हमारे लिए कोई सार्थक फैसला नहीं आ जाता तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। मांग हमारे जितने भी हमारे बैगलों का कोटा सरकार के पास बसता है, हम चाहते हैं सरकार वो एक लाख बढ़े, भर्ती में लेके थ्रू बढ़े। हम जी 700 से 800 पोस्टें हमारी क्लास 4 की बसती है सरकार के पास, हर विभागों में 700 से 800 पोस्टें क्लास 4 की होंगी, क्लास 3 की 2 की तो हमने बात ही नहीं की अभी तक। तो आप देखो जी 24 जुलाई को हमने जो महारैली का प्रदर्शन किया था, तब हमने आदि सुकून लेने हम हमारे साथ बात तो की, लेकिन वो अभद्र भाषा में का प्रयोग सीएम सुक्खू साहब ने हमारे साथ किया और उसके बाद उन्होंने हमें 5 सितंबर को बुलाया था, लेकिन 5 सितंबर को विधानसभा में जब हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने हमें ये निकाल के भेज दिया, ये देख लो क्या होता है। उन्होंने हमारा तमाम चार्टर तक नहीं पकड़ा वहाँ पे और उसी कारण हमें फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा। रात यहीं बैठे रहेंगे जब तक कोई जवाब।